बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों का आरोपी बाबा राम रहीम एक बार फिर से सुर्खियों में है। 20 साल की जेल की सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम सिंह ने बुधवार को एक वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम की मेजबानी की थी। इसमें हरियाणा के करनाल के मेयर और बीजेपी के कई नेताओं समेत कई मेहमानों ने शिरकत की थी, जिसके बाद विपक्ष हमलावर है। आपको याद दिला दें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 2017 में दोषी ठहराया गया था, लेकिन पिछले सप्ताह ही उसे 40 दिन की पैरोल दी गई है। उसने इस सत्संग की मेजबानी उत्तर प्रदेश के बागपत में की थी। सबकी अपनी अपनी आस्था, चुनाव में ही पैरोल क्यों दी जाती है न्यायालय द्वारा? देखिए, कोई भी हो तो पैरोल का अधिकार होता है, साल में इतने जाते हैं, किस टाइम जाना है वो अगले की मर्जी है। इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे विभाग का काम नहीं है, वो है जेल विभाग का काम, तो बेहतर होगा अगर आप उनसे पूछे, वो ज्यादा बेहतर जानकारी दे सकते हैं। पर क्या लगता है कि इसका से करना चाहिए? नहीं, अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं। वहीं उप महापौर नवीन कुमार ने कहा है कि उन्हें सात संगत की ओर से सत्संग में आमंत्रित किया गया था। उनके वार्ड में कई लोग बाबा राम रहीम से जुड़े हुए हैं, ऐसे में सामाजिक संबंध के जरिए वो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। डेरा सच्चा सौदा के जो करनाल के एडमिनिस्ट्रेशन हैं, इनके द्वारा मेयर को, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर को कल जो पैरोल के आने के बाद जो बाबा जी ने अपना जो सत्संग किया था ऑनलाइन सत्संग, तो वो कल वहाँ से रहे थे बन्नावाड़ यूपी डेरे से, और करनाल में यहाँ कमोपुरा जो हमारा नाम चर्चा कर रहा है उसमें हुआ था ये, तो उसमें सारे गए हुए थे और उसमें बस अपने बातचीत करी और जो संदेश था वो दिया उन्होंने, अपने बातचीत करी और आशीर्वाद दिया। तो सब क्या कुछ मेयर मैडम होगी रेणुबाला गुप्ता जी, राजेश अग्जी जी सीनियर डिप्टी में, मैं खुद था साथ था, और प्रधान योगेंद्र राणा जी भी थे, और भी कई ऐसे लोग किसान मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं नरेंद्र गोरसी जी वो थे, इलम सिंह जी थे, जो इस तरह कई जने आपके साथ जो पहले थे या जो चुनाव लड़ने की तैयारी है वो भी गए हुए थे, और सब अपने आप मतलब कि साथ कोई नहीं गए थे, मतलब सबको इनविटेशन दिया गया था भाई सत्संग में आके सुने, तो इस वजह से वो सारे। चलो सत्संग कोई चुनाव का कोई ऐसा इसमें कनेक्शन है नहीं पैरोल का, क्योंकि पैरोल एक आदमी का एक राइट है, मान लो जो भी अंदर कोई सजा काट रहा है और उसका राइट है पैरोल के लेना, तो वो जब पैरोल लगाएगा के लिए अर्जी लगाएगा तो उसका वो डिसीजन जेल मंत्री और हमारे जो माननीय न्यायालय है उनका वो डिसीजन है कि पैरोल। लेकिन लोग सवाल यही पूछेंगे कि इलेक्शनों से पहले क्यों पैरोल मिलती है, पिछली बार भी इलेक्शनों से पहले मिली थी और इस बार भी चुनावों में से पहले मिली है पैरोल? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, पैरोल एक आदमी जो अंदर क्राइम में अंदर है उसने अपनी इच्छा से, जब उसकी इच्छा मान लो जो एक सिस्टम है उस टाइम उन्हें पैरोल के लिए लगाई अर्जी लगाई तो पैरोल एक्सेप्ट होगी, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दिवाली के नाम की वजह से पैरोल लगाई हो, भी आदमी अपने परिवार में आके वो कर ले, तो जरूरी नहीं है कि पैरोल उसके सिर्फ इलेक्शन के लिए। आपको बता दें, सत्संग में शामिल होने वाले भाजपा नेताओं में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता, उप महापौर नवीन कुमार और वरिष्ठ उप महापौर राजेश अग्गी के अलावा चुनाव की तैयारी कर रहे कई अन्य उम्मीदवार भी शामिल थे, जिनमें भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष समेत कई लोग शामिल हैं। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि राम रहीम को हरियाणा में अगले महीने होने वाले उपचुनाव और पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैरोल दी गई है। वहीं करनाल की मेयर के बाद अब हिसार की मेयर गौतम सरदाना की पत्नी ने ऑनलाइन सत्संग में राम रहीम से चुनावी आशीर्वाद लिया। हिसार के राजगढ़ रोड पर एक निजी रिजॉर्ट में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर और नलवा के विधायक रणबीर गंगवा भी पहुंचे थे। आपको बता दें, राम रहीम को सिरसा में अपने आश्रम में दो महिला शिष्यों के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा मिली है। उसे अगस्त 2017 में पंचकुला में एक विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था। इसे लेकर हिंसा भी हो गई थी, जिसके बाद 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। वहीं डेरा प्रमुख और तीन अन्य लोगों को एक पत्रकार की हत्या के लिए वर्ष 2019 में और पिछले साल चार अन्य लोगों के साथ डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश में दोषी ठहराया गया था। ऐसे में सवाल तो बनता है, कितने बड़े अपराधी को पहले तो सत्संग करने की अनुमति क्यों दी जाती है,
और ऊपर से उसमें सियासी लोगों की मौजूदगी क्यों होती है, और क्या चुनाव जीतने के लिए ये नेता नैतिकता के साथ भी समझौता करने में इस हद तक गिर जाएंगे कि उन्हें एक अपराधी में भी आध्यात्म का संदेशवाहक दिख रहा है।